गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खान को करना है मंदिर को, जैसे आपको कैसे पता चला ये सब बाबा ने कराया, हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों के करने वाले, ये सब बाबा की कृपा है। गुड मॉर्निंग गाइज, माई न्यू ब्लॉग, और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं आज आपको ब्लॉग बना रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको आज मैं लेके चलूंगा खाटू श्याम बाबा का मंदिर है मनोना में, आंवला तहसील में मनोना गांव में, और वहाँ पे इतनी भीड़ लगती है वो आपको दिखाऊंगा मैं, और वहाँ दूर दूर दराज से लोग आते हैं वो वहाँ दिखाऊंगा आपको, और मिलते हैं मनोना धाम के मंदिर। ये कोई नहीं जा रहा है, मैं जा रहा हूँ सिर्फ, बाकी कोई नहीं जा रहा है। मिलते हैं आपको यहाँ से, मनोना धाम की यात्रा शुरू। और गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। जब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबे, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। खाटू जाने हम लोग खाटू श्याम बाबा के मनोना के मंदिर परिसर में आके खड़े हुए हैं, और हम लोग अब दर्शन के लिए जाएंगे, और फिर आप लोगों को देते हैं पूरी अपडेट, आगे बात करते हैं। साथ आए हुए हैं गुड्डू और विजेंदर और अमित ब्लॉगर, और अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे चल के फिर देखते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, चलते हैं। यहाँ से लाइन लगती है, यहाँ से लाइन लगती है दर्शन के लिए। यहाँ से लाइन लगती है अंदर के लिए, लाइन लगती है। भीड़ देखेंगे आप लोग कितनी है हमारे दोनों घाटों धाम में, शाम का टाइम है और ये मंदिर आ गया है। ये है आने का रास्ता, वापसी मंदिर से होने के वापसी आने का, और नीचे से है जाने का रास्ता। गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब थारे ठाठ निराले,
सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। खाटू जा ये मंदिर, मंदिर यहाँ पे मंदिर है, लाइन देखिए यहाँ तक जा रही है। और ये बना है नया मंदिर, ये नया मंदिर बनेगा खाटू श्याम बाबा का, नया मंदिर जी स्थापना हो रही है। और ये स्थापना नए मंदिर की हो रही है, अगली वहां से उठा के यहाँ मंदिर बनेगा और आप लोगों को फिर दिखाएंगे। देखिए कितनी भीड़, अभी भी नारे लग रहे हैं खाटू श्याम बाबा के और मनोना के, ये विदेश विदेशों में भी पहुंच गई है इसकी गूंज। ये भैया मिले हैं, ये अब हमें कराएंगे अंदर मंदिर के परिसर में, अंदर ले जाके और दर्शन कराएंगे और फिर हम आप लोगों से बात करते हैं। अब जय श्री श्याम बाबा, जय खाटू श्याम महाराज की। जी लो लेंगे यहाँ से प्रसाद और फिर हम लोग बात करते हैं, प्रसाद लेते हैं। ले लिया माला? नहीं लेना, माला भी लेना। हाँ अभी जा रहा है, चलना चले लो। आप जम ले जा रहे ना? चलो चलो, तो तुम लोग अटक जाओ ना। ये है जाने की रास्ता, आने की रास्ता, ये आने की रास्ता है ना, ये आने की, ये आने की रास्ता। ये आने की रास्ता, ये देखिए महात्मा जी हमारे, चलिए चलिए सबको वो करना है भैया। आप लोग ये हमारे साथ, हमारे साथ चार लोग हमारे साथ। ये है इधर से आना है और इधर से निकल जाना है। ये महात्मा जी हैं, महंत जी, बस मंदिर को जैसे आपको कैसे मतलब आपको पता चला ये सब बाबा ने बनाया, हम क्या कर सकते हैं, हम कौन होते करने वाले। ये सब बाबा की कृपा है, बाबा की असीम कृपा इस भूमि पे, बाबा के जन्म स्थिति, बाबा का जो शीश प्रकट हुआ था वो खाटू में प्रकट हुआ था, लिंग से बाबा ने जो शीश का दान दिया था वो चिंता था हम पानी पर। और ये बाबा की जन्म स्थिति है, पास में ये गाँव पड़ता है रामनगर, वहाँ भूमि का लगा रखा हुआ है पुराने समय का, एक गाँव पड़ता है लीला, वहाँ जो झील है वहाँ पे पांडवों से प्रश्न पूछे थे। तो टोटल ओला का जो क्षेत्र है ये अचित्र बोला जाता है, ठीक पांडवों का ही क्षेत्र है, राजा द्रौपदी का किला। तो यहाँ पांडवों ने 14 वर्ष वनवास काटा, उसी समय बाबा का जन्म हुआ, ये उनकी जन्मस्थली है, भी आ रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जन्मस्थली है, इसी वजह से बाबा को इस भूमि से इतना प्यार है कि पूरे देश में भूमि के लोगों ने एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर लोगों को आने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो चमत्कार हो रहे हैं वो सब कुछ लाइव हो रहे हैं, धूप पर्दे के पीछे नहीं हो रहे, सारे चमत्कार लाइव हैं हम लोगों के लिए। इधर से चार लोग कंधों पर आते हैं लोग, इधर से हम एक बंदे मैंने भी यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, आपने बहुत देखा होगा, उंगली पकड़े चलाते हैं, उंगली भी छोड़ देते हैं, चलता चला जाता है ये चीज। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे मेन चीज़ ये है कि बाबा यहाँ पूर्ण रूप से भगवान है, इस वजह से ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। और अगर बाबा यहाँ नहीं होते चमत्कार के लिए, जो भी कुछ कर रहे हैं बाबा कर रहे हैं, बाबा की असीम कृपा है और बाबा की वजह से यहाँ पर चमत्कार। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। आप लोगों को मैंने दिखाया और महान जी से मैंने बात भी कराई, मैंने महात्मा जी महान सिंह से बात भी कराई है आप लोगों की और फिर देखें आप। और आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे जबरदस्त भीड़ है। ये देखिए इधर से जाने का रास्ता है और ये भैया भी हमारे हेल्प कर रहे हैं। चैनल पे देखिए ये लोग भी खड़े हुए हैं, बोलो खाटू श्याम बाबा की। और हम लोग निकलते हैं, सब पैर छूने खाए कौन आओगे।
ये देखिए कितनी भीड़ है। आ जाओ। और ये है जाने वापसी जाने की रास्ता। भैया भैया बढ़ जाओ, ये वापसी जाने की रास्ता है। देखिए कैसे जयकारे लग रहे हैं लगातार। चलो चलो तुम लिख लो, तुम लिख लो। जय हो खाटू श्याम बाबा की जय। हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए और महंत जी से बात भी की, अच्छा लगा। और बहुत ही घाटश्याम बाबा की जय हो। और हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से। इस वीडियो का एंड में यहीं, यहाँ भी लोग दुबत्ती लगाते हैं। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कृपया प्रसाद प्रसाद ना जाए दुबत्ती लगाएं, दुबत्ती लगाते हैं। यहाँ बाबा ने सुना जा रहा है कि यहाँ पे आके पूजा बाबा का पुराना। अच्छा, यहाँ पर महंत जी ने बैठ करके पूजा करी थी। अच्छा, यहाँ पूजा करी थी। हाँ, काफी। अच्छा अच्छा। और जब करी थी, जब ये जाते थे बहुत पहले खाटू श्याम। हाँ, पहले के भक्त रहे खाटू श्याम। अच्छा अच्छा। और खाटू श्याम में आगे बीच में जो 1.5-2 साल वो हो गया था। अच्छा अच्छा। लॉकडाउन कोरोना कोरोना तो जब नहीं मतलब गए, और गए भी तो हम भी गए, हमारे बच्चे भी गए, तो कपाट बंद मिली। अच्छा अच्छा अच्छा। और कपाट मिलने के बाद जब ये नहीं गए तो इनके लिए बाबा ने कुछ दर्शन, और दर्शन देने के बाद पूजा करना शुरू कर। अच्छा अच्छा। और शुरू कर दी, पहले पहले 15-20 आदमी खेत हुए, 50 हुए, और ऐसी बाबा की कृपा होती चली गई कि जो आज आश्रम का देख रहे हैं कि यहाँ से कोई भी भक्त बगैर लिए कुछ ना कुछ जाता नहीं। अच्छा अच्छा। कुछ ना कुछ मिलता है। यहाँ मांगी जाती है? नहीं नहीं, यहाँ मांगी नहीं जाती, यहाँ से वहाँ तक सब धाम ये सब धाम उन्हीं का। हाँ, उन्हीं का। अच्छा अच्छा। यहाँ से भी मतलब युवा भक्तों को लाभ हो रहा है, वहाँ से भी भक्तों को लाभ हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ का ये प्रसाद और जल ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप हमारा आप बहुत गए हैं, इधर सीधी तरफ आ जाए। अभी भी रात हो रही है, रात में भक्त गण बैठे हुए हैं। देखिए गाइस, यहाँ बाबा के दरबार में मत्था टेक के आशीर्वाद। धागा नहीं बांधे, धागा नहीं बांधे। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम की। क्योंकि धागा जब आप पहनेंगे, मुराद पूरी होने पे लोग अपने आ रहे हैं। गाइस, अभी मैं मंदिर प्रांगण में ही खड़ा हूँ और अब मैं इस ब्लॉग का एंड करना चाहता हूँ। वीडियो आप, मेरा मकसद ये नहीं था बस वीडियो बनाना, आप मेरा मकसद था आपको मनोना धाम की पूरी जानकारी देना, और जानकारी दी है मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। बस अब मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। ठीक है, राधे राधे, जय खाटू श्याम बाबा की जय। राधे राधे, बाय बाय।